हेलो एवरीवन वेलकम टू मंड एग्जाम टारगेट आप लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे आज हम लोग देखेंगे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जैसे सीडीपी बाल विकास हिंदी संस्कृत पर्यावरण पर्यावरण में जीएस है जीएस है ठीक है जीएस में भूगोल है इकोलॉजी है संविधान है सारे क्वेश्चन है इंग्लिश है सारे सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट की तो ज्वाइन करेंगे और शेयर कर देंगे नोटिफिकेशन गया नहीं कल भी नहीं गया था कल हमने क्लास ही नहीं लिया और आज भी नहीं गया है लेकिन कब तक ऐसे करेंगे कब तक क्लास नहीं लेंगे इसलिए आपके भरोसे हैं आप, है, आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से आज अगर क्लास ले रहे हैं तो आप लोग जल्दी से उसको शेयर करके सभी को सभी तक पहुंचा दीजिए टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाएंगे नोटिफिकेशन जाए या ना जाए टेलीग्राम वाला जाता ही है तो चलिए फिर तैयार हैं आप लोग सब कुछ सही है सीडीपी अगर सुपर टेट की बात की जाए सुपर टेट में तो यह आता है कितने नंबर का दस नंबर का लेकिन टेट की बात की जाए टेट में तीस नंबर का ऐसे ही संस्कृत दस नंबर का सुपर टेट में लेकिन तीस नंबर का टेट में आता है ऐसे ही हिंदी है हिंदी बीस नंबर का सुपर टेट में आता है और तीस नंबर का हिंदी टेट में आता है ठीक e है और ईवीएस है ईवीएस ईवीएस में जीके जीएस सारे सब्जेक्ट हैं इसमें दस नंबर का आता है सुपर टेट में और इसमें तीस नंबर का आता है तो सारे सब्जेक्ट हैं सब कुछ मिक्सअप करके पढ़ाया जा रहा है ये ना कहिएगा कि ये टेट के लिए इंपॉर्टेंट है सी टेट के लिए सुपर टेट के लिए क्वेश्चन वही रहते हैं वो पीसीएस प्री तक इंपॉर्टेंट रहते हैं ठीक है बस क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाता है चलिए पहला क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नोटिफिकेशन गया नहीं तो आप लोग शेयर कर देंगे नहीं तो कल जैसे क्लास नहीं लिए थे आज भी ना लेते कल भी नहीं लेते परसों भी नहीं लेते नुकसान किसका होता आपका होता और आप लोग थोड़ी सी मर्सी दिखाइए नोटिफिकेशन नहीं गया तो आप लोग शेयर करके सभी को बुला लीजिए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक पारिवारिक वातावरण स्वतंत्रता राजनीतिक वातावरण ऑप्शन कौन सा सही होता है रिप्लाई कीजिए जल्दी से रिप्लाई करेंगे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक हाँ देखिए पारिवारिक वातावरण ऑप्शन ए सही होता है जितने लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं रिप्लाई सही है ठीक क्या देखिए संवेगात्मक विकास संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर बात की जाए तो वंशानुक्रम ठीक है वंशानुक्रम हो गया स्वास्थ्य हो गया स्वास्थ्य थकान पारिवारिक वातावरण मानसिक योग्यता अभिभावकों का दृष्टिकोण सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सामाजिक स्वीकृति विद्यालय ये सब क्या है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पारिवारिक वातावरण भी है वंशानुक्रम भी है स्वभाव भी है विद्यालय भी है सामाजिक स्वीकृति भी है अभिभावक का दृष्टिकोण भी है सब कुछ है किसमें संवेगात्मक विकास ठीक क्वेश्चन एक औसत बुद्धि वाले बच्चों को यदि भाषा को पढ़ने में कठिनाई प्रदर्शित हो रही है तो यह संकेत है एक औसत बुद्धि वाले बच्चे को यदि भाषा को पढ़ने में कठिनाई देखिए क्या है भाषा को पढ़ने में कठिनाई औसत बुद्धि वाले बच्चे को यदि भाषा को पढ़ने में कठिनाई प्रदर्शित हो रही है तो पढ़ने में कठिनाई पठन विकार मतलब क्या है ऑप्शन सी डिसक्सिया क्लियर है ऑप्शन कौन सही होता है ऑप्शन सही अगर लिखने में कठिनाई जल्दी से बताइए अगर लिखने में कठिनाई होगी तब कौन सा ऑप्शन होगा सही यहाँ डिस्ग्राफिया डिस्कैलकुलिस प्रेक् अगर लिखने में कठिनाई होगी यह आपके लिए क्वेश्चन है आप जल्दी से रिप्लाई कीजिए हम ऐसे बीच बीच में टेस्ट लेते रहेंगे ठीक है लिखने में कठिनाई डिस्ग्राफिया ठीक अगर पूछा जाए आपसे के गणना करने में गणना करने में कठिनाई तब वह कौन सा विकार होगा यह आपको कमेंट करके जल्दी से रिप्लाई करना है जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई कीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग शेयर करते रहेंगे शेयर करते रहिए क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं गया है तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम बिना नोटिफिकेशन क्लास ले रहे हैं तो आप भी शेयर कर दीजिए लाइक like और शेयर के लिए आपको कहना न पड़े आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप समझते हैं वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाला कारक वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम है स्वप्रेम खेल का मैदान या ऑप्शन कौन सा सही होता है बताइए जल्दी से वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम ठीक है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम है पौष्टिक भोजन है शुद्ध हवा है ठीक है यौन विभेद है बुद्धि है अंतर ग्रंथियां है रोग एवं चोट है ये सब ठीक है पारिवारिक परिस्थितियां भी है संस्कृति भी है वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाला कारक ऑप्शन ए सही होता है क्या है वंशानुक्रम ठीक अच्छा जो लोग आल बता रहे हैं वो हमको एक बार जरा थोड़ा सा बता दीजिए कि स्वप्रेम स्वप्रेम कैसे है वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाला कारक अच्छा खेल का मैदान जो बता रहे हैं वो बताएं है कि खेल के मैदान में वृद्धि और विकास दोनों कैसे होता है खेल के मैदान रिप्लाई कीजिएगा आप थोड़ा सा सोच के बताइए खेल के मैदान में वृद्धि और विकास दोनों हो सकता है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसीलिए हम बोलते हैं आपसे कि कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी आंसर हो आप आंसर करने से पहले उसका ऑब्जर्वेशन जो किए हैं उसको यूज कीजिए ठीक है कोई भी क्वेश्चन हो उस आंसर मिले आपको तो ऑब्जर्वेशन कीजिए क्या बोल रहा है क्या हुआ इसका आंसर फिर जब आएगा कभी तो हमें क्या करना है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है या फिर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं सब्जेक्ट भी चार पांच सब्जेक्ट हम इसमें कलेक्ट किए हैं इंग्लिश तक है तो आप लोग बताइए कि हम एक्सप्लेन करते हुए धीरे धीरे चलें या फिर सुपर फास्ट वे में उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है डायरेक्ट बताएं थर्न कैसे आपके अनुसार चलना है क्योंकि पढ़ना आपको है हम सब पढ़ चुके हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है जितने लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं थान्डाइक सभी की रिप्लाई सही है ठीक है यह कहाँ के थे एडवर्ड एल थर्नडाइक यह अमेरिकी वैज्ञानिक थे अमेरिकी वैज्ञानिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक थे ठीक है थान्डाइक एडवर्ड एल थर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक ऑप्शन ए सही होता है ठीक अगला क्वेश्चन चलिए अब इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं एक दो लोग बोल रहे हैं फास्ट और सभी लोग बोल रहे हैं एक, एक्सप्लेन करके तो बुद्ध के पदानुक्रम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया इसलिए हमने मैक्सिमम चीज़ बोल दिया है कि जब आप लोग फास्ट आ रहे हैं तो आप नौ बजे दस बजे रात वाली क्लास कभी ना छोड़िए क्योंकि हमने मैम से बोला है कि आप फास्ट ही चलिए हम समझा देंगे इन लोगों को लेकिन आप फास्ट चलिए इसीलिए रात वाली क्लास एकदम सुपर फास्ट रहती है चलिए बुद्ध के पदानुक्रम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया सुपर टेट और टेट दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेट में तीस नंबर का आना है और सुपर टेट में दस नंबर का ऑप्शन सही होता है थार्डाइक, फिलिप बर्नन स्पियरमैन या थर्स्टन तो ऑप्शन एकदम सही जितने लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं फिलिप बर्नन ठीक है बुद्ध के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है ऑप्शन डी जो रूपी बता रहे हैं सभी की रिप्लाई गलत है ऑप्शन बी फिलिप बर्नन बुद्ध के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है फिलिप बर्नन ने किया है अगर पूछा जाए कब किया गया यह 1960 के प्राक्स किया गया वैसे ये पूछा नहीं जाएगा ज्यादा डीप हो जाएगा लेकिन किसने किया है ये पूछा जाएगा ठीक है पदानुक्रम सिद्धांत फिलिप बर्नन ठीक है गलत ना कीजिए गलत नहीं करना है और भी देखिए हम बताते चलेंगे स्पीयरमैन मैन है हम यहां भी एक्सप्लेन कर दें लेकिन बार बार वही चीज एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी नहीं है जो जरूरी लगेगा वो बता दिया जाएगा जैसे स्पीयरमैन मैन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है बुद्धि का बताइए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है जल्दी से बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन हम आपको दे भी दिए हैं चलिए बता दीजिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाँ स्पीयरमैन ने ठीक अच्छी बात है चलिए क्वेश्चन है बुद्धि सीखने की एक योग्यता है किसका कथन है कथन भी आता है आपका सुपर टेट में सुपर टेट में दस नंबर का आना है उसमें तीन कथन ही दे देगा और कथन अक्सर गलत हो जाता है तो दस में से तीन चला गया ना कथन भी जरूरी है बुद्ध सीखने की एक योग्यता है किसका कथन है हमें पता है नोटिफिकेशन गया नहीं है अभी देख लीजिएगा डेढ़ सौ से ज्यादा कोई आ ही नहीं पाएगा इतने एक्टिव है खुद के प्रति अपनी लाइफ के प्रति इतने ज्यादा एक्टिव हैं ये लोग इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं इनके पास नोटिफिकेशन जाए घर का जाके दरवाजा खटखटाएं करें क्लास चल रही चलो पढ़ो चलो पढ़ो उठाए इनको तब ये लोग आते हैं पढ़ने मतलब टाइम अगर दे दिया गया है दो बजे तो चेक नहीं कर सकते इनको जाके घर से बुलाइए सब खिलाइए पिलाइए तब पढ़ेंगे गजब है बुद्ध सीखने इसीलिए दो हजार कई लोग तो 2011 से तो वही लोग हैं 2011 वाले बीएड करके बैठे 2011 हजार ग्यारह में पच्चीस वैकेंसी आ चुकी है 25 बार अभी तक हो नहीं पाए हैं धरना दे रहे हैं बुद्ध सीखने की एक योग्यता है किसका कथन है बोर्न बिने स्टर्न या फिर बकिंगहम ऑप्शन कौन सा सही होता है किसका कथन है अगर पूछा जाए तो यह बकिंगम का जितने लोग बता रहे हैं ऑप्शन डी बकिंगम का कथन ठीक है ऑप्शन कौन सही होता है ऑप्शन डी सही होता है बकिंगम और इसीलिए हमने कल क्लास नहीं लिया हमें पता रहता है कि हमारा सपोर्ट कोई करने वाला है नहीं आप भी पढ़ रहे हैं ना पढ़ के निकल जाते हैं अगर अब देखिए बिना कहे तो आप लाइक नहीं करते तो शेयर क्या करेंगे तो इसीलिए हमने कल क्लास ही नहीं लिया लेकिन आज भी नहीं गया तो आज भी नहीं लेना चाहिए था हम सोचे कि कितने दिन नहीं लेंगे नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपको ज्यादा नुकसान हो जाता है इतना तो हम सोचते हैं <laughs> पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर क्वेश्चन अटेंड करते रहिए जो लोग तेज हैं दोनों तरफ उनका दिमाग चलेगा क्वेश्चन की तरफ और हम जो बोल रहे हैं उसको भी कल आप दो बार आए थे हम पच्चीस बार ट्राई किए हैं नोटिफिकेशन गया नहीं है बल्कि हम क्लास ले लेते तो दो घंटे में खत्म हो जाती चार घंटे हम परेशान हुए हैं आपके लिए क्लास लेते तो इतना नहीं परेशान होते जितना न लेने पर परेशान हो गए लेकिन नोटिफिकेशन नहीं गया तो हम नहीं लिए हमें पता था कि आप शेयर करने वाले हैं नहीं कोई आएगा नहीं तो क्या फायदा हम अकेले ही पढ़ के पढ़ा के चले जाएं पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नैतिक सापेक्षता नैतिक स्वतंत्रता नैतिक प्रवृत्ति या नैतिक समाज तो ऑप्शन कौन सा सही होता है पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर बताए गए हैं तीन पहला कौन सा है हम आपको बता दे रहे हैं इसी ऑप्शन में से आप छाटिएगा पहला कौन सा है नैतिक नैतिक सब में रहेगा यथार्थता यथार्थता ठीक है ये हो गया और दूसरा कौन सा है पहला हो गया नैतिक यथार्थता दूसरा है नैतिक समानता ठीक है और तीसरा हाँ नैतिक समानता और तीसरा है नैतिक सापेक्षता नैतिक सापेक्षता अब देखिए कौन सा है नैतिक सापेक्षता ऑप्शन कौन सा सही हो गया ऑप्शन ए सही हुआ कि नहीं हुआ बताइए जल्दी से रिप्लाई कीजिए नैतिक सापेक्षता सही हुआ ना यही है अगर आपसे मान लीजिए नैतिक सापेक्षता ना देता यहाँ क्या दे देता नैतिक समानता तो आपको यह पता होना चाहिए कि पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर कितना है तो कितने दिए गए हैं तीन तीनों आपको याद रहेगा आप इसमें चूज कर सकते हैं बस ठीक है नैतिक यथार्थता समानता सापेक्षता यही पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के तीन स्तर दिए गए हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको सुपर टेट में पूछ देगा ऐसे ही क्वेश्चन टेट में पूछ देगा आपका एक एक नंबर कटता जाएगा और आप एकदम संतुष्ट होकर घर चले आएंगे जितना पढ़ पाइए पढ़िए सब लोग जीएस हम, हम लोग दो साल से जीएस खूब पढ़ाए हैं खूब पढ़ाए हैं इसलिए अब जीएस पर कम बाल विकास ई और हिंदी और ये सब पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि जीएस इतना पढ़ा चुके हैं कि वहां से आ जाएगा ईवीएस भी पढ़ा रहे हैं इसीलिए आजकल पर्यावरण भी पढ़ा रहे हैं मारिया मांटेशरी द्वारा प्रतिपादित की गई शिक्षा पद्धति मारिया मांटेशरी द्वारा प्रतिपादित की गई शिक्षा पद्धति सही होना चाहिए मान्टेसरी ठीक है मारिया मांटेश ने शिक्षा की मांटेसरी पद्धति का प्रतिपादन किया था ऑप्शन डी सही होता है अच्छा चाहे तो हम आपसे अभी पूछ ले ही पूछ लेंगे तो आप बता देंगे प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया आप जल्दी से बताइए देखते हैं कौन को रिप्लाई देता है बताइए जल्दी से प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया अब हम पूछे हैं तो आपको बताना पड़ेगा ही प्रोजेक्ट विधि इसी में फिर रिवीजन हो जाएगा अब भी हम आपका रिवीजन इसी यही करा देते हैं हाँ किसने किया है किलपैट्रिक एकदम सही प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक डाल्टन विधि बताइए जल्दी से बताइए डाल्टन विधि जल्दी से रिप्लाई कीजिए रिप्लाई कीजिए भाई डाल्टन विधि पूछ रहे हैं हम डाल्टन विधि हम्म सही है डाल्टन हेलेन पार्कहर्स्ट ठीक है हेलेन पार्कहर्स्ट ये हो गया किल पैट्रिक ठीक है ह्यूरिस्टिक विधि कौन ये सही होगा ये भी सही होना चाहिए ह्यूरिस्टिक विधि किसने किया है आर्म स्ट्रांग याद आया कुछ आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग ये हो गया और मॉन्टेसरी विधि मारिया मांटेसरी चारों आपको पता हो गया ठीक है किल पैट्रिक हेलन पार्क आर्मस्ट्रांग और मारिया मांटेसरी चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे हम बोलते हैं बिना कुछ दिमाग लगाए एक्स्ट्रा पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए और सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से ज्यादा ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए ऑब्जर्वेशन मतलब समझिए कि, कि थार्नडाइक ने क्या बताया है और पावलाओं ने क्या बताया है क्लासिकल कंडीशनिंग किसका है क्लासिकल कंडीशनिंग में है क्या ये सब समझेंगे तो कोई भी एग्जाम हो आप वहां एकदम आराम से बैठेंगे सब कुछ आपके माइंड में उतरता चला जाएगा और आप सारे एग्जाम पास करते जाएंगे रोडसा ये रोस शाही धब्बा परीक्षण या रोडसा जो भी आप पढ़िए इतना समझदार हैं रोडसा शाहिद धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है ऑप्शन सी बताना तो है नहीं शाहिद हवा परीक्षण के प्रतिपादक हैं हरमन ठीक है हरमन ये हरमन रोड ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर चले अब देखिए ये भी आना चाहिए खूब आता है एग्जाम में टेट में तो करीब ये पच्चीस पच्चीस बार तो टेटा ही नहीं हुआ जितनी बार टेट हुआ है उतनी बार आया है क्वेश्चन फीलिंग समझिए भावनाओं पर जाए शरीर <laughs> रचना के आधार पर व्यक्तित्व को लंबकाय या काय, सुडौल काय या पुष्ट काय <laughs> और गोल काय या स्थूल काय में किसने विभक्त किया हम भी ज्यादा जोश में आके ना बहुत एडवांस में ज्यादा पच्चीस बार बोल दिए लेकिन जितनी बार तो हमेशा आता है इंपॉर्टेंट है तो ऑप्शन कौन सा होता है किसकर शरीर रचना के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है परिभाषित किया है कृष्णर ने ठीक है कृष्णर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को इन तीनों भागों में किसमें लंब का यह कृषक क्या सुडौल का या पुष्ट काय गोल स्थूल काय में परिभाषित किया है डिफाइन किया है और इसको बताया है विभक्त किया है कुछ भी आप टर्मोलॉजी यूज कर सकते हैं इसमें ने ऑप्शन ए सही होता है अगले क्वेश्चन पर चले देखिए बहुत स्लो स्लो चलेंगे उ, 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 मतलब टारगेट ये है कि आपको समझाना अच्छे से ये नहीं कि हम हजार क्वेश्चन करा दें और आपको पूछे कितना समझ में आया बोले पांच अनुपात ही नहीं ठीक हुआ तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य देखिए समझाते तो सभी लोग हैं बताते भी सभी लोग हैं हम अपना काम कर रहे हैं सभी का छोड़िए आदर्श हमें जो आता है हम कर रहे हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है चारों ऑप्शन पढ़िए आराम से बहुत जल्दी नहीं है फिर रिप्लाई कीजिए आदर्शवाद के की अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास करना है व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास करना ठीक कौन सा ऑप्शन ऑप्शन बी आदर्शवाद के अनुसार व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास करना है ठीक है क्लियर है ऑप्शन बी जितने लोग बताए हैं आदर्शवाद एकदम सही रिप्लाई है ऑप्शन बी वालों की रिप्लाई चलिए सही है नहीं गलत नहीं होगा गलत नहीं होगा आप लोग पढ़ते रहिए गलत नहीं होगा एक को क्वेश्चन नहीं गलत होगा बस आप अच्छे से पढ़िए क्या हो रहा है नेट में क्या प्रॉब्लम है एक सेकेंड चलिए रिप्लाई कीजिए विद्रोह की भावना बालक बालिकाओं में समानता किस अवस्था में प्रतीत होती है विद्रोह की भावना का विकास मैत्री भावना का विकास समूह के प्रति भक्ति समूह का निर्माण सामाजिक गुणों का विकास यह सब किसमें होता है ये जब हुआ छोकरा जवारे किशोरावस्था में ठीक है ऑप्शन बी रिप्लाई सही होती है किशोरावस्था विद्रोह की भावना बालक या बालिका दोनों में जैसे मैत्री भावना का विकास समूह के प्रति भक्ति ठीक है मतलब कट मर जाते हैं समूह के लिए और ये सामाजिक गुणों का विकास भी होने लगता है शर्म भी आने लगती है कुछ लोगों को तो कभी नहीं आती शर्म वो तो एकदम वही होते हैं ठीक है ऑप्शन बी सही होता है अच्छा किशोरावस्था किसने कहा है किशोरा अवस्था को बड़े संघर्ष तूफान झंझावात टाइफून विली, विली। का काल है <laughs> बताइए टारनेडो सब कुछ में जोड़ दीजिए तूफान झंझावात किसने कहा है हाल ने ठीक है आज तक कोई कथन याद हो या ना याद हो ये तो पक्का याद होगा है कि नहीं ये बहुविकल्पी में भी आया है जब आप बी एड बी के एग्जाम देने गए थे अत लघुतरी में भी आया है और लघुत्तरी में भी आया है इसकी व्याख्या कीजिए मतलब और टेट में भी आया है सुपर टेट में भी आएगा हर जगह आएगा ये जरूर याद है बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है भाषण खेल निर्माण प्रक्रिया कहानी लेखन ध्यान दीजिएगा कौन सा विकास पूछ रहा है सृजनात्मक विकास सृजनात्मक विकास ध्यान दीजिएगा हम आप बार बार बोल रहे हैं कि निर्माण प्रक्रिया में बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए सहायक नहीं है ऑप्शन सी सही होता है ऑप्शन सी अरे सृजनात्मक में भाई आप लोग भाषण क्यों बोल रहे हैं भाषण तो सृजनात्मक विकास में शामिल है खेल भी है कहानी लेखन भी निर्माण प्रक्रिया निर्माण प्रक्रिया बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए सहायक नहीं है जितने लोग ऑप्शन सी बताए हैं उन्हीं की रिप्लाई सही है बहुत धुरंधर है ना टेट भी पास कर चुके हैं सी टेट भी पास कर चुके हैं अब सुपर टेट के लिए कुछ लोग सुपर टेट के लिए वो भी गलत कर रहे हैं मान लीजिए टेट वाले गलत करें अलग बात है आप सुपर टेट के ओह हो ऑप्शन हो। सी सही होता है भाषण बता रहे हैं बताइए सृजनात्मकता तो बहुत ज्यादा बढ़ती है भाषण से किंडर विधि के जनक कौन है किंडर गार्टन विधि के जनक रिप्लाई कीजिए किंडर गार्टन विधि के जनक प्रॉवेल प्रावेल ट्रॉवेल चलिए जब सब लोग बता दे रहे हैं तो हम कैसे अलग बताएं ट्रॉवेल ने ठीक है किंडर गार्टन विधि के जनक प्रॉबेल मारिया विधि ठीक बेकस कहां से आ गया पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु को प्रदर्शित करता है पियाजे के अनुसार, के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण में बच्चा वस्तु को प्रदर्शित करता है ध्यान दीजिएगा किसके अनुसार पियाजे के अनुसार किस चरण में किसको वस्तु स्थायित्व को हाँ पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है ऑप्शन कौन सा सही होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ठीक कब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब होती है मूर्त से पहले ना मूर्त से पहले बताइए मूर्त से पहले होती है वह तो कब होती है दो से सात वर्ष पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं चार ठीक है कौन कौन सी हाँ हाँ संवेदिक मूर्ख संक्रिय पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अमूर्त संक्रियात्मक ठीक यह है ऑप्शन बी सही होता है ठीक है वस्तु अस्थायित्व अगला क्वेश्चन निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया ऑप्शन कौन सा सही होता है समाकलन द्वारा समावेशी शिक्षा द्वारा मुख्य धारा में समाहित कर ऑप्शन कौन सा सही होता है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है ऑप्शन सही होता है बी समावेश शिक्षा द्वारा देखिए क्या है समावेशी शिक्षा क्या है आपको कितनी बार समावेश शिक्षा का अर्थ है विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें लक्ष्य सभी, सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता से है जिसमें निशक्त बालक होते हैं ठीक है और सामान्य बाल सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की समान उपलब्धता यही है समावेशी ठीक है समावेशी सुनने में अक्षम सुनने में अक्षम मतलब श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा में किस भाषा का प्रयोग किया जाए जैसे जो सुन नहीं पा रहे हैं उनको तो बोलेंगे आप है नहीं सांकेतिक भाषा जोर जोर से बोलकर ये गलत है गाना गाकर नहीं गाना गा करके जब सुनाइए नहीं दे रहा है तो गाना गाइए चाहे रोइए चाहे डीजे बजा दीजिए कुछ नहीं होगा ऑप्शन कौन सा सही होता है श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए ऑप्शन ए सही होता है अगला क्वेश्चन देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आप बहुत ज्यादा समझदार धारनाइक ने अधिगम की मुख्यता कितने नियमों का प्रतिपादन किया है मुख्य नियम पूछ रहा है बताइए मुख्य नियम जल्दी से जल्दी से जल्दी से ने अधिगम की मुख्यतः कितने नियमों का प्रतिपादन कौन सा ऑप्शन सही होता है हाँ अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम कहलाता है ये तो हो गया अधिगम की परिभाषा थर्णाइक ने अधिगम के मुख्य कितने नियम बताए हैं तीन ठीक है तीन, तीन नियम बताए हैं तीन कौन कौन से हैं अभ्यास का नियम दूसरा कौन सा है प्रभाव का नियम ठीक है और तीसरा कौन सा है तत्परता तत्परता का नियम ठीक है अभ्यास प्रभाव और तत्परता तीन नियम ये किसने बताए हैं थार्नडाइक थार्नडाइक ने तीन मुख्य नियम बताए हैं अगला क्वेश्चन समझना व्याख्यान मौलिकता आदि कैसे बालकों के गुण हैं समझना व्याख्यान मौलिकता आदि कैसे बालकों के गुण हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है बताइए जल्दी से ये सब कैसे बालकों के गुण हैं मूर्ख बालक ना प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालक अक्षम बालक यह क्या है प्रोक्त गुण ऐसे बालकों के हैं जिनकी उपलब्धि 130 से भी अधिक होती है तो ये कौन है प्रतिभाशाली बालक कहे जाते हैं समझना व्याख्यान भी मौलिकता भी ये सब प्रतिभाशाली बालक ठीक है हाँ ये मानसिक रूप से स्वस्थ सकारात्मक सहनशीलता धैर्यवान भी होता मतलब बहुत ज्यादा समझदार ठीक है अगला क्वेश्चन है अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा ऑप्शन सही होता है अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक चारों ऑप्शन पढ़िए फिर रिप्लाई कीजिए आपको हम अच्छे से टाइम दे रहे हैं कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं लेकिन हम सभी को हम समावेशी क्लास चलाना चाह रहे हैं आप हमारी समझिए टारगेट को समावेशी क्लास वातावरण अप्रेरण प्रशंसा निंदा ऑप्शन कौन सा सही होता है अधिगम की प्रक्रिया के कई प्रभावित कारण हो सकते हैं जैसे पूर्व अधिगम विषय वस्तु सीखने की विधि वातावरण मानसिक स्वास्थ्य प्रशंसा पुरस्कार प्रशंसा क्या है पुरस्कार है और निंदा क्या है दंड है आप जान ही रहे प्रशंसा पुरस्कार के अंतर्गत आती है निंदा जो है दंड के अंतर्गत आता है अभिप्रेरणा भी है वातावरण भी है वंशानुगत वंशानुक्रम भी है ठीक है मानसिक स्वास्थ्य भी इसलिए ऑप्शन डी सभी की रिप्लाई सही है हम जो बोल रहे हैं जैसे प्रशंसा बोले फिर विषय वस्तु बोले सीखने की विधि बोले ये सब इसके प्रभाव करने वाले कारक चल नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेत अधिगम संकेत अधिगम क्या सिखाता है संकेत अधिगम क्या सिखाता है अब देखिए ऊपर ये नीले कलर का दिख रहा है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए नोटिफिकेशन ऐसे ही अब नहीं जाएगा जब आपका एग्जाम नजदीक आता है ना तब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है नोटिफिकेशन नहीं जाएगा आप लोग नहीं आएंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए अगर ना मिल रहा हो तो ओ एन ई सर्च करेंगे फिर एक लिखेंगे बिना गैप के फिर डी ए वाई फिर एग्जाम फिर टारगेट गैप किसी में नहीं रहेगा आप ऐसे सर्च करेंगे या फिर ऊपर रहे भी कौन सा ऑप्शन से संकेत अधिगम क्या सिखाता है मनोदैहिक पारंपरिक अनुकूलन समानता का सिद्धांत या विभिधता का सिद्धांत तो यह है क्या सिखाता है अधिगम संरचनाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग संकेत अधिगम विभेदीकरण और सिद्धांत अधिगम की परिस्थितियों में किया जा सकता है संकेत अधिगम पारंपरिक अनुकूलन को सिखाता है इसलिए ऑप्शन सही होता है बी ठीक है संकेत अधिगम क्या सिखाता है पारंपरिक को सिखाता है अगला क्वेश्चन सृजनशील बालक की विशेषता निम्न में से कौन नहीं है सृजनशील बालक की विशेषता निम्न में से कौन नहीं है खूब अच्छे से रिप्लाई कीजिए और एकदम अपने माइंड में सेट भी कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन जो आपके गलत हो रहे हैं आज फिर कभी ना गलत हो सृजनशील बालक की विशेषता निम्न में से कौन नहीं है कल्पनाशीलता जिज्ञासा क्रोधी स्वभाव मौलिकता अब बताइए सृजनशील बालक बालक एक एकदम दिख रहा है ऐसे बालक जो स्वयं की प्रेरणा से तथा नए विचारों के साथ किसी नई वस्तु का सृजन करते हैं वही है सृजनशील बालक तो इनकी विशेषता कल्पनाशीलता भी होती है जिज्ञासा भी होती है मौलिकता भी होती है और दूरदृष्टि भी होती है मतलब फ्यूचर का भी सोचते हैं कार्य में निष्ठा क्रोधी स्वभाव किसका सृजनशील बालक का नहीं है ऑप्शन सी सही होता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पूरा सही होता है तीस तीसों ऐसे आ जाए तो सब सही हो जाएगा है, है कि नहीं आएंगे नहीं लेकिन ऐसे बहुत खुश ना हो अगला क्वेश्चन है अधिगम का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया अधिगम का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया प्लाई कीजिए अधिगम का अनुकूलित अनुकूल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है हाँ हाँ पावलाओ के द्वारा ठीक है ऑप्शन कौन सही होता है ऑप्शन बी सही होता है पावलाओ अगर पूछा जाए पावलाओ किस देश के थे पता ही अमेरिका के थे या रूस के थे तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे ठीक है हाँ इवान पी द्वारा विकसित किया गया था अधिगम का अनुक्रिया सिद्धांत ठीक है हाँ। अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग पावलाओं ने किया था लेकिन अगर पूछा जाए किस पर किया था कबूतर पर चूहा पर और कुत्ता पर या फिर वनमानुष पर या बंदर पर किस पर किया था कुत्ता पर ठीक है किस पर किया था डॉग लिखना चाहिए डॉग कुछ लोग लिख रहे हैं जी ओ डी गॉड मतलब भगवान पर कर दिए थे क्या हम्म बहुत सही डाबर समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है शुल्क सहित शिक्षा केवल विशिष्ट बालकों की शिक्षा भेदभाव रही शिक्षा समावेश शिक्षा आसान सा है समय शिक्षा का सिद्धांत एकदम भेदभाव रही शिक्षा है समावेश शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक की यह जिम्मेदारी ही होती है कि वह कक्षा में ऐसे वातावरण विकास करे जिससे सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सीख सके ये नहीं कि कोई किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो वो बस अपने चेयर पर बैठ के ऐसे बोलता जाए बोलता जाए नहीं कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो वह बोले भी इशारा भी करे इशारे के साथ भी समझाए जिससे ये कम सुनाई देने वाले बच्चों को भी समझ में आए और जो नॉर्मल है उनको समझ में आएगा यही है समावेशिक भेदभाव रहित और सभी को साथ में लेकर चलने वाले शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है छोटे बालक श्रवण बाधित शारीरिक निःशक्त या दृष्टि बाधित तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है श्रवण बाधित शारीरिक निशक्त या फिर दृष्टि बाधित या फिर छोटे बालक बताइए अंधे बालक बहरे बालक कम सुनने वाले बालक दृष्टि दोष से पीड़ित बालक तथा वाणी दोष जैसे तो तुतलाना हकलाना से मुक्त बालक ये सब इसमें विशेष इनको चाहिए आवश्यकता जैसे श्रवण बाधित को क्या चाहिए कि सारे से समझना या फिर एक जो कान में लगाते हैं वो भी चाहिए और शारीरिक निशक्त जैसे वह विकलांग है पैर से तो उसको बैसाखी चाहिए दृष्टि बाधित ब्रेल लिप के द्वारा पढ़ाया जाए अगर पूरा नहीं दिखाई दे रहा हल्का दिखाई दे रहा चश्मा मतलब ये सब चाहिए छोटे बालक तो नॉर्मल बालक हैं इनको कुछ नहीं विशेष आवश्यकता की आवश्यकता इनको नहीं है इसलिए बच्चों में सम्मिलित नहीं विशेष आवश्यकता वाले में छोटे बच्चे छोटे बालक सम्मिलित नहीं है जिनको कोई प्रॉब्लम हो शारीरिक कोई विकलांग दिव्यांगता हो विकलांग ये टाइप के विशेष आवश्यकता चाहिए उनको जैसे जो पैर से लंगड़ा है वो बिना वैशाखी के नहीं चल सकता उसको वैशाखी चाहिए वही है विशेष आवश्यकता अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिआयामी आकृतियां किन बालकों की पढ़ाई के लिए उपयोगी है चलिए क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा है बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चन है तो आप लोग को हम समझा समझा कर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं शायद आप समझ भी रहे होंगे हमारी जो कोशिश है वो पूरी होनी चाहिए त्रिआयामी जिससे फिर से ये हम कभी सुपर फास्ट रिवीजन करवाए तो आप एकदम ताप करें, ठीक है और क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं ऐसे ही आए हैं ऐसे आएंगे एकदम मस्त रहिए लेकिन ध्यान से पढ़िए थ्री आयामी किन बालकों की पढ़ाई के लिए उपयोगी है थ्री आयामी हो हो थ्री डायमेंशनल थ्री डी आयामी आकृतियाँ दृष्टिबाधित बालकों की पढ़ाई के लिए उपयोगी हैं। क्रोधी बालक इसको थ्री क्या करेंगे स्वास्थ्य स्वस्थ बालक एकदम नहीं स्वस्थ बालक के लिए अब इन दृष्टिबाधित बालक जो है उसको थ्री डी आयामी के द्वारा उसको जरूरत है त्रिआयामी आयामी थ्री डी आकृतियाँ दृष्टिबाधित बालकों की पढ़ाई के लिए उपयोगी होती हैं ऑप्शन सी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है बताइए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है डेली डेली ये क्लास दो बजे ठीक है दोपहर दो बजे दोपहर ठीक है पूरे लॉकडाउन में हम लोग जीएस पढ़ाए हैं ईवीएस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए पूरे लॉकडाउन में इसलिए अब जीएस जीएस को हम लोग एक किनारे कर रहे हैं अब चलेगी सीडीपी, ईवीएस संस्कृत हिंदी मैथ कंप्यूटर ये सारे जीवन कौशल ये सारे सब्जेक्ट चलेंगे ठीक जो आप बहुत कम अप्रोच कर पाए हैं तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है वुंड वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है जितने लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं डी वाले एकदम सही ठीक है डी वाले एकदम सही है वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है अच्छा आप लोग अपनी सहमति दीजिए जो सब्जेक्ट हम बताए हैं जीएस को छोड़कर जीएस भी पढ़ाएंगे करेंट भी पढ़ाएंगे लेकिन बहुत कम ये सब पर ज्यादा फोकस करेंगे जीवन कौशल मनोविज्ञान फिर उसके बाद ईवीएस हो गया फिर मैथ हो गया हिंदी हो गया संस्कृत हो गया इंग्लिश हो गया क्योंकि ये सब टेट और सुपर टेट स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप लोग बताइए सही है सही अच्छा सोचे हैं आपके लिए कि नहीं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्योंकि दो साल लॉकडाउन में पूरा हम लोग जीएस जीएस भरमार एकदम पगलवा दिए हैं आपको भी और हम लोग खुद एकदम परेशान हो गए जीएस से तो उसमें आप बहुत आगे निकल चुके हैं कोई टक्कर नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, विकलांग शब्द को बदल कर क्या कर दिया गया है नाम चेंज करने में भाजपा सरकार विकलांग को क्या किया गया है दिव्यांग ठीक है किसने चेंज किया था मोदी जी ने ऑप्शन ए सही होता है विकलांग शब्द को बदलकर दिव्यांग कर दिया गया है अगला क्वेश्चन बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है या किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से होता है बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है ध्यान दे, देखिए सीडीपी क्या है ना कुछ नहीं है कुछ है ही नहीं सीडीपी बस आपको जो पढ़ रहे हैं आप उसी को सोचिए क्या बोल रहा है इतना तो हम पढ़ लिए यहां से यहां तक लेकिन इसको आराम से पढ़ेंगे बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है यह किस अधिगम के माध्यम से होता है शाब्दिक उन्नतोदर गत्यात्मक या समस्या समाधान तो शरीर का अंग जो संचालन करेगा वह कैसे क्या है गत्यात्मक ठीक है ऑप्शन सी जो बताए हैं कुछ लोग ये बता रहे हैं उसको हाथ हिलाना है तो शाब्दिक कैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा हाथ हिल रहा है हम तो शोर मान लीजिए हम एकदम मस्त हैं बैठे हैं हाथ नहीं हिला रहे हैं तो गत्यात्मक नहीं गत्यात्मक मतलब अंगों का संचालन कर रहा है हाथ को हिला रहा है यहाँ से यहाँ ले जा रहा है ये सब गत्यात्मक है ना हाथ में गति हो रही कि नहीं हो रही ठीक है हाँ शरीर के अंगों का संचालन गत्यात्मक विकास की अवस्था से सीखता है जैसे घुटने के बल चलना खड़ा होना पूर्णतः चलना ये सब क्या है रिप्लाई कीजिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है सुनने की क्षमता सुनने की क्षमता किसमें मापी जाती है सुनने की क्षमता किसमें मापी जाती है ऑप्शन कौन सा होता है सुनने की क्षमता किसमें मापी जाती है किलोवाट मीटर बुद्धिलप्ती या डेसिबल ध्वनि का मात्रक क्या होता है सामान्य सी बात है सुनने की क्षमता डेसिबल में मापी जाती है ऑप्शन डी रिप्लाई सही होती है देखिए आप लोग कभी कंफ्यूज ना होइएगा डेसिबल एक डेसिबल है एक डॉपन है बताइए डाप्सन किसकी इकाई है या फिर डॉप्सन में क्या मापा जाता है डाप्शन किसकी इकाई है डेसिबल ये हो गया डेसिबल लेकिन एक है डॉपन डेसीबल तो ध्वन क्या मात्रक है ठीक है और डाप्सन में क्या मापा जाता है ओ जोन ओ जेट ओ एन ओ थ्री ठीक है ओ जोन क्लियर है अच्छा हाँ अभी भी अभी तक जो लाइक ना किए हों आपसे रिक्वेस्ट है आपसे कुछ हम मांग नहीं रहे कुछ नहीं मांग रहे बस आप लाइक कीजिए और शेयर ज्यादा ज्यादा कीजिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए यहाँ से बेस्ट यहाँ से मस्त क्लास आप पा ही नहीं सकते आपका बस सपोर्ट चाहिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए अब आइए अच्छा ये बताइए सी डी पी तीस क्वेश्चन थे कंप्लीट हुआ आपका सी डी पी में कुछ आज समझ में आया कि नहीं आया इसके बाद हिंदी चल रहे हैं लेकिन आप बताइए तीस में आपका कितना सही हुआ मान लीजिए गलत हुआ होगा लेकिन अब सही होगा या नहीं अब मान लीजिए हम कल इसी का टेस्ट लें कल नहीं पांच दिन बाद इसी का टेस्ट लें और आप ये ध्यान दीजिएगा आज हम जो पढ़ा रहे हैं इसको हम एक हफ्ते के अंदर हंड्रेड परसेंट रिविजन करते हैं टेस्ट लेते हैं तो आप तैयार रहिएगा गलत ना हो आज तीस में से अगर पंद्रह गलत हुआ हो तो अगर दो दिन बाद तीन दिन बाद हम टेस्ट ले तीस में से तीस सही होना चाहिए अब आइए हिंदी की तरफ बस आप हम आपके साथ हैं आप हमारे साथ रहिए कोई एग्जाम रुक जाए तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है हाँ एक हफ्ते में हम एक बार दो बार जरूर टेस्ट लेते हैं और आपको हम एकदम भरमार एकदम मचा देंगे हाहाकार कोई भी सब्जेक्ट हो निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है देखिए टाइम लगा होगा हम जान रहे हैं तीस क्वेश्चन थे करीब पैंतीस मिनट या तीस मिनट हंड्रेड परसेंट लगे होंगे लेकिन पढ़ना नहीं है पढ़ाना है समावेशी शिक्षा का मतलब यही है कि सबसे तेज बच्चे और सबसे धी मतलब कमजोर बच्चे साथ में लेकर चलना है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है तो दीर्घ स्वर ई e ए तो ऑप्शन कौन सा सही होता है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है तो हाँ ठीक है अच्छा देखिए जो लोग देखिए क्या बता रहे हैं आप लोग आ सी बता रहे हैं सी चलिए हम बता देते हैं आपको जो लोग सी बताए हैं उन्हीं की रिप्लाई सही है अब पूछिए कैसे ए लिखा जाता ए लिखा जाता है ना तो ए क्या है यह दीर्घ और हरस्व स्वर नहीं है बल्कि यह क्या है ए है एक संयुक्त स्वर कैसे ए संयुक्त स्वर कैसे ए को क्या तोड़ेंगे तो एक्स का विच्छेद करेंगे वर्ड विच्छेद करेंगे क्या होगा अ प्लस ए आ प्लस ए यही है इसको मिलाकर बनने से बनता है आय आय क्या है न दीर्घ है न ह्रस्व है क्या है संयुक्त स्वर है क्लियर हुआ हुआ क्लियर कि नहीं हुआ जितने लोग सी बता रहे हैं रिप्लाई सही है कैसे यह भी हमने बता दिया कि यह संयुक्त स्वर है आय बनता है आ और ए से इसलिए यह संयुक्त स्वर है देखिए बड़ा आ बड़ी ई ये सब क्या है दीर्घ स्वर है ये सब हैं दीर्घ स्वर लेकिन अ जो है यह क्या है संयुक्त स्वर अगले क्वेश्चन पर चलें अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिए आप लोग तेज हैं हमें पता है आप लोग बहुत तेज हैं बहुत अच्छे हैं बस अगर अपने प्रति ध्यान दे देंगे ना चाहे वो टेट देने वाले हों आप चाहे आगे का आपका सुपर टेट हो कुछ रुकने वाला नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है और हिंदी का तो एक क्वेश्चन ना गलत हो क्योंकि सभी का सही होता है हिंदी अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो करीब तीन हजार चार हजार दस हजार लोगों से पीछे चले जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है ग -च -या। तो इसमें देखिए ये सब स्पर्श व्यंजन है क से लेकर तथा तथा पपा पा मा, मा तक ठीक है क वर्ग से लेकर वर्ग तक सब क्या है स्पर्श व्यंजन है भी है लेकिन स्पर्श व्यंजन नहीं है यह क्या है अंतस्थ व्यंजन है यह क्या है अगर पूछा जाए यह क्या है अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन है ठीक है से सभी स्पर्श व्यंजन है जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ आदि से होता है मतलब इन स्थानों से होता है उन्हें ही स्पर्श अस्पर्श मतलब क्या है पता है जैसे मान लीजिए कि तालु तो जीभ हमारी ये जो तालु होती है यहां स्पर्श कर रही इसी को कहते हैं स्पर्श और तालु कौन सा होता है चवर्ग चवर्ग में कौन से आते हैं च छ क्या है नासिका है लेकिन च छ झ ये सब क्या है तालु है तो यही है स्पर्श व्यंजन ऐसे ही है अगला क्वेश्चन देखिए तद्भव तत्सम के गलत युग्म को छाटिए तद्भव तत्सम के गलत युग्म को छाटिए अभी भी अभी भी करीब 120 लोग लाइक नहीं किए हैं बिना लाइक किए हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो लाइक कर देंगे तो उनका ये क्वेश्चन गलत थोड़ी हो, थोड़ी ना हो जाएगा या फिर लाइक कर देंगे तो उनका कौन सी प्रॉपर्टी चली जाएगी भाई लाइक तो कर सकते हैं ना बिना हम मूर्त चीज नहीं मांग रहे हैं बल्कि अमूर्त तो मांग रहे हैं आपको लाइक करवा रहे हैं आपका कुछ जाने वाला नहीं है ये अमूर्त है पैसा क्या है मूर्त है लेकिन लाइक करना अमूर्त चीज है अब सीडीपी तो अभी हम पढ़ाए इसके पहले तो बहुत असंख्य गलत युग में छाटिए गलत युग में अखरोट अखोर या फिर घटा घोटक तीखा तीक्ष तीख, पीला पीला अब बताइए कौन सा गलत है हाँ <laughs> ये ये जो घड़ा है घड़ा का क्या घड़ा का तत्सम घोटक यह नहीं होता है ठीक है घड़ा का तत्सम क्या होता है आपको बता देते हैं घड़ा घड़ा ये सही है लेकिन घड़ा का तत्सम क्या होता है घट ठीक है घट 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 का मतलब घड़ा होता है क्लियर है और सही भी युग्म सही है, का होता है तीखा तीचड़ होता है, पीला का पीठ होता है लेकिन घड़ा का क्या होगा घट ठीक अगला क्वेश्चन अवनत का विलोम जल्दी से रिप्लाई कीजिए अवनत का विलोम अवनत का विलोम रिप्लाई कीजिए अवनत का विलोम क्या है वनत अनवत उन्नत या उन्नति अवनत अवनत का विलोम उन्नत होता है ऑप्शन सही होता है सी उन्नत ठीक है अवनत का विलोम उन्नत ऑप्शन सी जितने लोग बता रहे हैं सभी की रिप्लाई सही ठीक है अगला क्वेश्चन मधुवन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है यमक है रूपक है श्लेष है या फिर उपमा है मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। इसमें कौन सा अलंकार है देखिए कलियां, कलियां का प्रयोग एक बार हुआ है लेकिन इसका अर्थ जो है दो निकल रहा है क्या एक अर्थ देखिए कलियां, कलियां मतलब एक अर्थ क्या हो गया फूल लेकिन दूसरा अर्थ क्या हो गया एक अर्थ तो फूल हो गया कलिया का मतलब एक अर्थ फूल हो गया अगर पूछा जाए दूसरा अर्थ दूसरा अर्थ क्या है हाँ एक अर्थ फूल खिलने की पहले की स्थिति जो होती है वो कली होती है जान रहे हैं आप कली और दूसरा अर्थ यवन से है ठीक है यवन से फूल खिलने से पहले का जो रहता है कली ऐसे गुलाब की कली आप देखे होंगे तब ऐसे खिलता है ये हो गया कली और दूसरा अर्थ यौवन से है ठीक है यौवन के पहले की अवस्था है वो भी कली ही है ऑप्शन कौन सा सही हो गया तो इसमें श्लेष अलंकार कोई शब्द का प्रयोग एक बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो अलंकार कौन सा श्लेष अलंकार ठीक है कौन सा अलंकार श्लेष अलंकार चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर सही हुआ सभी का हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है परिणाम पुरस्कार प्याज परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा है परीक्षा परीक्षा क्या है स्त्रीलिंग है ठीक है क्लियर परीक्षा शब्द स्त्रीलिंग है और शेष सभी क्या है सभी पुलिंग है ये सब पुलिंग परीक्षा क्या है स्त्रीलिंग अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है हमेशा एक बचन में प्रयोग होने वाला शब्द एक बार सभी शेयर कीजिए पढ़ते रहिए आप लेकिन एक बार सभी शेयर कीजिए एक बार संख्या 400 तक पहुंचाइए आपको हम टारगेट देते हैं देखते हैं आप आज का टारगेट पूरा कर पाते हैं नहीं टेट में तो आपको टारगेट पूरा करना है टेट में पास होना है ज्यादा से ज्यादा सुपर टेट में टारगेट पूरा करना है लेकिन आज आपका टारगेट चार सौ है देखते हैं आप पूरा कर पाते हैं या नहीं शेयर करके शेयर करके देखते हैं हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है हाँ क्षमा ऑप्शन कौन सा है क्षमा क्षमा हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है क्षमा शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है ऑप्शन ए सही होता है अगला क्वेश्चन वह नौकर नहीं आया इस वाक्य में वह वा कौन सा विशेषण है वह नौकर नहीं आया इस वाक्य में वह वा कौन सा विशेषण है वह नौकर नहीं आया हाँ बहुत सही टारगेट देने के बाद आपकी संख्या कम गजब है चलिए आपसे टारगेट नहीं देंगे सॉरी वह नौकर नहीं आया इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है गुणवाचक संख्यावाचक सर्वनामिक या फिर परिमाण बोधक क्या पूछा जा रहा है वह वह नौकर नहीं आया में हाँ वह सर्वनामिक विशेषण है क्या है कौन सा विशेषण है सर्वनामिक इसमें तो एकदम आसान था वह क्या है सर्वनाम है तो सर्वनामिक विशेषण हो गया वह सर्वनामिक विशेषण है यह वह कोई ऐसा जैसा कैसा ये सब क्या है सर्वनामिक विशेषण है सर्वनामिक विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं ठीक है एक होता है मौलिक विशेषण दूसरा है यौगिक विशेषण एक है मौलिक विशेषण दूसरा है यौगिक विशेषण ठीक है एक होता है मौलिक विशेषण दूसरा है योगी विशेषण यह है सर्वनामिक विशेषण और वह जो है सर्वनामिक विशेषण है अगर पूछा जाए कोई यह भी सर्वनामिक विशेषण है तो ऐसे ऐसे ठीक अगला क्वेश्चन यह पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए इस वाक्य में किस क्रिया का बोध हो रहा है यह पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए रिप्लाई की यह पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए इस वाक्य में किस क्रिया का बोध हो रहा है शक्ति बोधक आवश्यकता बोधक इच्छा बोधक या फिर अभ्यास बोधक सभी की रिप्लाई से यह पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए इस वाक्य में हाँ कौन सा ऑप्शन हाँ गुड ऑप्शन कौन सा सही होता है यह है आपसे इच्छा बोधक ठीक है कौन सा ऑप्शन इच्छाबोधक अगला क्वेश्चन कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है रिप्लाई कीजिए कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल रिप्लाई जल्दी से जल्दी से रिप्लाई कीजिए कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है सही 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 हाँ देखिए श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था यह क्या है पूर्ण भूतकाल का वाक्य है ठीक अच्छा देखिए किसान खेतों की सिंचाई कर रहे थे रहे थे मतलब भूतकाल तो है थे है लेकिन अपूर्ण है क्योंकि वह हो रहा है कर रहे थे अभी अपूर्ण भूतकाल है मैंने अखबार पढ़ा है क्या है आसन भूतकाल मैंने अखबार पढ़ा है यह क्या है आसन भूतकाल मैंने अखबार पढ़ा है ट्रेन गई ट्रेन गई क्या है सामान्य भूतकाल है सामान्य भूतकाल है लेकिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था यह तो पूर्ण भूतकाल है ठीक क्लियर है अगला क्वेश्चन माता जी से उठा बैठा नहीं जाता यह वाक्य भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन होगा रिप्लाई कीजिए से उठा बैठा नहीं जाता यह भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन कीजिए तो क्या हो जाएगा माता जी से उठा बैठा नहीं जाता इसका भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन क्या होगा माता जी उठ बैठ नहीं सकती है कि नहीं हम लोग बोलते हैं माता जी उठ बैठ नहीं सकती इसका भाववाच में माता जी से उठा बैठा नहीं जाता अगर जब यही दिया है माता जी से उठा बैठा नहीं जाता तो हम अगर इसको कर्वाच में माता जी उठ बैठ नहीं सकती है ऑप्शन सही होता है डी ऑप्शन कौन सही होता है ऑप्शन डी अन्वय का विच्छेद अन्वय का विच्छेद कीजिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए अन्वय का विच्छेद कीजिए गुड टेलीग्राम की लिंक जा हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अनुधन अय अनुधन यही हो गया अन्वय ऑप्शन कौन सा ही होता है अनुधन अय बराबर अन्वय यह अगर पूछा जाए संधि कौन सी है उ आ, कौन सी संधि है संधि ठीक है संधियों के कितने प्रकार हैं बताइए जल्दी से संधियों के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार की संधियां हैं कौन कौन सी स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अब इसमें स्वर संधि कितने प्रकार की हैं? पांच प्रकार की हैं। ठीक है ठीके? स्वर संधि कितने प्रकार की हैं? पांच प्रकार की हैं। अगला क्वेश्चन है? महात्मा में कौन सा समास है जल्दी से बताइए महात्मा में कौन सा समास है रिप्लाई कीजिए महात्मा महात्मा में समास कौन सा है महान है महान है जो आत्मा ये हो गया महात्मा कौन सा समास कर्म धारे समास महात्मा में कौन सा समास है ऑप्शन बी सही होता है कर्म धारे समास महान है जो आत्मा बराबर महात्मा ठीक है बताइए नीलकंठ नीलकंठ में कौन सा समास है जल्दी से रिप्लाई कीजिए नीलकंठ में समास कौन सा है नीलकंठ में कौन सी समास है बहुब्रीही नीला है कंठ जिसका अर्थात हा चंद्रशेखर इसमें कौन सा समास है चंद्रशेखर में कौन सा समास है जल्दी से बताइए चंद्रशेखर बताइए फिर अगला क्वेश्चन पूछे जल्दी से जल्दी से रिप्लाई कीजिए चंद्रशेखर में कौन सा समास है बताते चलिए फिर अगला हम पूछते चले चंद्रशेखर में भी बहुरी ठीक है आ, राज पुत्र राजपुत्र में कौन सा समास है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आप लोग बता दीजिएगा राजपुत्र में समास कौन सा है अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है किस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है राजपुत्र में कौन सा समास है तत्पुरुष समास है तत्प अगर पूछा जाए तत्पुरुष में कौन सा समास है कौन सा तत्पुरुष है तत्पुरुष में कौन सा समास है राजा का पुत्र अब हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर किस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है देखिए कठिन परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी ठीक है यह अर्धविराम है कठिन परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी इस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है ठीक है कठिन परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी इसी में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया देख रहे हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित मुहावरे और उनके अर्थ में से कौन सा युग्म सही नहीं है निम्नलिखित मुहावरे और उनके अर्थ में से कौन सा युग्म सही नहीं है जल्दी से रिप्लाई कीजिए हाँ धूप में बाल सफेद करना मुहावरे का अर्थ क्या है अनुभवहीन होना धूप में बाल सफेद करना मुहावरे का अर्थ क्या है अनुभवहीन होना मतलब क्या है हाँ वृद्धावस्था के लक्षण ये गलत है ये तो मुहावरा बताना धूप में बाल सफेद करना मतलब अनुभव से रहित बस वो जैसे एक होता है ना कि अरे हमारा बाल सफेद हो गया मतलब इतने दिन से काम कर रहे हैं कि हमारा बाल सफेद बहुत दिन से हमें अनुभव है लेकिन एक धूप में बाल सफेद करना वो जाके धूप पे बैठे और बाल सफेद हो गया इसका मतलब क्या वो अनुभवहीन है ठीक ऑप्शन सी सही होता है सोने पे सुहागा का मतलब अत्यधिक गुणगान बालू से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य करना झंडा गाड़ना मतलब अधिकार जताना ये सब सही है जबकि धूप में बाल सफेद करना वृद्धावस्था का लक्षण ये नहीं होगा बल्कि ये क्या होता है अनुभवहीन होना अगर कभी आ जाए कि धूप में बाल सफेद करना का वो क्या है मुहावरा तब आप क्या बताएंगे अनुभवहीन होना अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचना एवं रचनाकार का कौन सा युग्म सही है वैदेही वनवास किसकी है तुलसीदास की राम की शक्ति पूजा किसकी मैथिली शरण गुप्त की प्रेम वाटिका किसकी भारतीय ध्वरिचंद की प्रेम फुलवारी किसकी भारतीय ध्वरिचंद की इसमें से कौन सा युग सही है तीन गलत है एक सही है रिप्लाई कीजिए ऑप्शन कौन सा सही होता है देखिए प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है ऑप्शन डी जितने लोग बता रहे हैं सभी की रिप्लाई सही प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है जबकि अन्य तीनों वैदेही वनवास किसकी है हरिओद जी की है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की है हरिओद ठीक है हरिद जी की है वैदेही वनवास राम की शक्ति पूजा किसकी है निराला की है ठीक है राम की शक्ति पूजा किसकी है निराला ठीक है अच्छा प्रेम वाटिका प्रेम वाटिका किसकी है रसखान ठीक है और प्रेम फुलवारी भारतीय हरी की यह चार आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्रेम वाटिका रसखान की है राम की शक्ति पूजा सूर्य त्रिपाठी निराला जी की है और वैदेही वनवास किसकी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो की है ठीक अगला क्वेश्चन प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा है प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा है अच्छा ठीक है एक क्लास हम जीरो टू हाई पूरा मतलब सरल से कठिन की तरफ चलेंगे इसी की बस इसी का मतलब किसकी ये रचनाएं की ठीक रचनाए है चिंता ना कीजिए आप लोग प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है तो ये तो सही होना चाहिए प्रेमचंद का उपन्यास मंगल सूत्र यह अधूरा था ठीक है और इसको पूरा किसने किया उनके पुत्र ने ठीक है मंगल सूत्र अधूरा था और इसको पूरा किया उनके पुत्र ने तो यह आता है क्वेश्चन प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है तो मंगल सूत्र कई बार आया है ठीक वसुधा का समानार्थी है वसुधा का समानार्थी रिप्लाई तो कीजिए जल्दी से वसुधा का समानार्थी हाँ पृथ्वी होता है ना धरा वसुंधरा अचला भू वसुधा ये सब किसकी है पृथ्वी की पर्यायवाची है ऑप्शन सही होता है बी ठीक है अमृत का अमीय अमीर पीयूष सुधा या किसका है अमृत का है अंबर नव गगन शून्य आकाश का है जल का बताइए जल का बहुत कठिन है आप लोग बताएंगे कठिन वाला आप बताएंगे अगला क्वेश्चन है उन्मुख का विलोम उन्मुख का विलोम क्या होगा सम्मुख ना। मुख नहीं विमुख अवमुख तो उन्मुख का विलोम क्या होगा उन्मुख का विलोम विमुख होगा ऑप्शन सी सही होता है ठीक है ऑप्शन सी अगले क्वेश्चन पर चलें आप बताइए लेखक एवं उनकी रचना का कौन सा युग्म गलत है लेखक एवं उनकी रचना का कौन सा युग्म गलत है कौन सा ऑप्शन सही होता है कौन सा युग्म गलत है गलत पूछा गया है इसमें तीन सही होगा मैथिली शरण भारत भारती आमधारी का कुरुक्षेत्र सुमित्र पंत पल्लव पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज रासो <laughs> पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई ठीक है चंद्रवरदाई किसके लेखक हैं पृथ्वीराज रासो के और सब सही है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर और पल्लव किसका है सुमित्रानंदन पंत का है अच्छा आप एक क्वेश्चन बताएंगे एक रचना है ये रिप्लाई कीजिए किसकी रचना है चलिए किसकी रचना है हाँ निराला की ठीक अगला क्वेश्चन उच्चारण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उच्चारण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उच्च उच्च हाँ उत्धन चारण उत्त उद्ध, उच्चारण का अगर विच्छेद पूछा जाए क्या होता है हाँ उत्धन चारण अतः मतलब बराबर उच्चारण किस विसर्ग का प्रयोग हुआ है उत् ऑप्शन डी सही होता है कौन सा शब्द विशेषण है बताइए जल्दी से बताइए कौन सा शब्द विशेषण है रोम रुचि रुचिर या रूढ़ विशेषण 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 बताना है हा देखिए रोम क्या है यह तो विशेष है ठीक है रुचि भी विशेष है रूढ़ ही विशेष है यह है विशेषण रुचिर रुचिर क्या है विशेषण है ऑप्शन सी कितने लोग बताए रुचिर विशेषण ऑप्शन सी सही होता है आ, गंगा भारत की पवित्र नदी है इस वाक्य में गंगा क्या है गंगा भारत की पवित्र नदी है इस वाक्य में गंगा क्या है जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताया ना प्रयागराज दिल्ली और यमुना ये सब क्या है कौन सा नाउन है इंग्लिश में भी बताए हैं गंगा भारत की पवित्र नदी है इस वाक्य में गंगा क्या है प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं ठीक है हाँ अच्छा ये बताइए आप कि सोना गोल्ड कौन क्या है गोल्ड क्या है आपको कमेंट करके बताना है गोल्ड क्या है ठीक है बताइए जल्दी से बताइए गोल्ड क्या है फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाँ मेटेरियल नाउन है ना <coughs> ठीक अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अंबुज तथा तो अंबुद के क्रमशः अर्थ है अंबुज किसकी पर्यायवाची है अंबुद किसकी है तो देखिए अंबुद है तो बादल बादल यहां भी द है यहां भी द है ये हो गया फिर अंबुज अंबुज का क्या होगा हम्म अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का बादल तो अंबुज कमल कमल और बादल ठीक ठीक अच्छा ये बताइए एक क्वेश्चन है कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं हाँ क्या कहते हैं प्रविशेषण ठीक है क्या कहते हैं प्रविशेषण ठीक है जैसे यह काली गाय है इसमें काली क्या है बताइए जल्दी से काली क्या है इसमें आप आपसे पूछ रहे हैं जल्दी से बता दीजिए काली क्या है <स्थी> काली तो विशेषण हुआ ना है कि नहीं काली विशेषण है हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उक्षिप्त उक्षिप्त व्यंजन है उत्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं उत्प्त व्यंजन उत्षिप्त व्यंजन दो उत्षिप्त व्यंजन कितने प्रकार के हैं दो दो हैं कौन कौन से रा और धा. यही है उत्षिप्त व्यंजन ठीक है ये दोनों उत्षिप्त व्यंजन हैं। इन व्यंजनों का विकास अगर पूछा जाए उत्षिप्त व्यंजनों का विकास किससे हुआ है तो आप क्या बताएंगे इन व्यंजनों का विकास अपभ्रंश से हुआ है जहां से यह हिंदी में ग्रहण किया गया है ठीक है किससे हुआ अपभ्रंश से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से ध्यान से रिप्लाई कीजिएगा यह है ईवीएस आपका इसमें जीएस है अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये भी एकदम बेस्ट है जैसे सारे क्वेश्चन अच्छे हैं ये उससे भी अच्छा है निम्नलिखित इसके बाद संस्कृत है इसके बाद इंग्लिश है ध्यान से देखिएगा तीस क्वेश्चन सीडीपी का करवाए तीस क्वेश्चन हिंदी का करवाए अब तीस क्वेश्चन इसका करवाएंगे आपको एकदम मॉडल पेपर लाके रख दिए हैं आपके सामने अब आप लोग तैयार हैं कि नहीं है आज ही टेस्ट कर लीजिए खुद को निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप पारितंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचाता है और आज रात में एक बेस्ट क्लास होने वाली है मैम के द्वारा ईवीएस की इसमें इतने टफ क्वेश्चन होंगे अगर सुपर टेट और टेट किसमें